अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, माय नेम इज मोहम्मद फैसल शहजाद। आज मैं आप लोगों के सामने एक नई लेक्चर सीरीज लेकर आया हूं। इस लेक्चर सीरीज के अंदर हम कोर लैंग्वेज को देखेंगे, जो कि मुखफ्फ है कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन एंड असेंबली लैंग्वेज। कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हम इसका आर्किटेक्चर देखेंगे, आर्किटेक्चर के अंदर हम मेन इसके कंपोनेंट्स को देखेंगे, जो हार्डवेयर के मेन कंपोनेंट्स हैं, लाइक मेमोरी है, सीपीयू है, हमारे पास पेरिफेरल डिवाइसेस हैं। अब इसके बाद हम देखेंगे असेंबली लैंग्वेज क्या है, असेंबली लैंग्वेज एक लो लेवल लैंग्वेज है, इसका सिंटैक्स क्या है, इसका राइटिंग स्टाइल क्या है, हम इसमें कोडिंग किस तरीके से कर सकते हैं या हम इसमें कौन सी एप्लीकेशन हम बना सकते हैं, ये चीज हम देखेंगे। सबसे पहले हम इसका ओवरव्यू देख लेते हैं कि ओवरव्यू के अंदर हम कौन कौन सी चीजें डिस्कस करेंगे। सबसे पहले ओवरव्यू में मैं आता हूं। ओवरव्यू में आते ही मैं आप लोगों से डिस्कस करता हूं मेन हार्डवेयर कंपोनेंट्स। मेन हार्डवेयर कंपोनेंट्स कौन कौन से हो सकते हैं? सबसे पहले हमारे पास है सीपीयू। सीपीयू क्या है? कंप्यूटर का दिमाग है। सीपीयू स्टैंड फॉर सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ये दो चीजों से मिलकर बना है, जिसमें एएलयू एंड सीयू आता है। एएलयू स्टैंड फॉर अरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट एंड सीयू स्टैंड फॉर कंट्रोल यूनिट। अब ये कंप्यूटर का मेन पार्ट है, जो सारी की सारी एग्जीक्यूशन है, जितने भी हमारे प्रोग्राम्स हैं, जितने भी हमारे थ्रेड्स हैं, वो सारे के सारे सीपीयू ही हमारा रन करता है। इसके अलावा हम देख लेते हैं मेमोरी क्या है। मेमोरी के अंदर हमारे पास रैम आती है, रोम आते हैं। रैम स्टैंड फॉर रैंडम एक्सेस मेमोरी, रोम स्टैंड फॉर रीड ओनली मेमोरी। रैम जो है बेसिकली क्या है, एक वोल्टाइल मेमोरी है। जैसे ही कंप्यूटर पावर्ड ऑफ होता है, उसके अंदर जो भी डाटा होता है वो रेज हो जाता है। जो हमारे पास रोम है, वो हमारे पास नॉन वोल्टाइल मेमोरी है। नॉन वोल्टाइल में ये चीज होती है कि आपका डाटा परमानेंटली सेव है, पावर ऑफ होने से आपका डाटा लॉस नहीं होगा। इसके बाद हम देख देते हैं पेरिफेरल डिवाइसेस क्या होती है। पेरिफेरल डिवाइसेस के अंदर हम इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस को देखेंगे, फिर हम ये देखेंगे इनपुट और आउटपुट सर्किट का क्या काम है, हम ये इन चीजों को डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम देखेंगे असेंबली लैंग्वेज क्या होती है, असेंबली लैंग्वेज के एडवांटेजेस क्या है, डिसएडवांटेजेस क्या है, और अगर आप इस कोर्स को या इस बेसिक नॉलेज को आप पहले से जानते हैं तो आप इस लेक्चर को स्किप भी कर सकते हैं। अगर आप बिल्कुल न्यू हैं और सिरे स्क्रैच से आप इस चीज को सीखना चाह रहे हैं तो आपको यह लेक्चर मस्ट लेना होगा। आज का लेक्चर मैं यहां पर इख्तिताम करता हूं, और इसके बाद हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और इंशाल्लाह हमारी नेक्स्ट वीडियो का इंतजार कीजिए।